Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. जनवरी को इस पॉलिसी को कैबिनेट द्वारा पास किया गया, उसके दो एक दिन बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैबिनेट के डिसीजन का आया, फिर पावर डिपार्टमेंट ने इस फाइल को एलजी साहब के पास भेजा। यह बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब द्वारा इतनी बेहतरीन सोलर पॉलिसी, जो दिल्ली के लोगों को फायदा देगी, जो पर्यावरण को फायदा देगी, जो प्रदूषण को कम करेगी, एलजी साहब सबसे पहले तो इस फाइल को लेके बैठ गए। उन्होंने कई दिन तक इस फाइल को वापस ही नहीं भेजा। फिर इस मुद्दे को पावर डिपार्टमेंट ने एलजी ऑफिस से परस्यू किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एलजी ऑफिस से बात कर करके कई बार यह सवाल पूछा कि सोलर पॉलिसी की फाइल कब वापस आएगी, क्योंकि हमें सोलर पॉलिसी को नोटिफाई करना है। हमारे इतने परस्यू करने के बाद जब एलजी साहब इस फाइल को और रोक नहीं पाए, तो उन्होंने ऊल जलूल सवाल लगाकर इस फाइल को वापस भेज दिया। ये ऊल जलूल सवाल लगाने से, ये ऑब्जेक्शन लगाने से क्या होता है, इस ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिए कि अब जब अनेकों सवाल के साथ फाइल वापस आएगी, जब ऑब्जेक्शन के साथ फाइल वापस आएगी, तो वो एक अफसर से दूसरे अफसर के पास जाएगी, दूसरे अफसर से तीसरे अफसर के पास जाएगी, तीसरे अफसर से चौथे अफसर के पास जाएगी, और ये फाइल घूमती रह जाएगी। ये ऑब्जेक्शन लगाने का सिर्फ एक ही ध्येय है कि इस पॉलिसी को रोका जाए और अगले महीने आने वाली आचार संहिता से पहले इस पॉलिसी को नोटिफाई नहीं होने दिया जाए, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर यह सोलर पॉलिसी नोटिफाई हो जाती है और अगर यह सोलर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है, तो दिल्ली वालों को इससे फायदा होगा। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार से खुश होंगे, उनके पॉलिसी से खुश होंगे, उनको वोट डालेंगे। तो आज एलजी साहब इस शहर की, इस राज्य की सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे होने के बावजूद अपनी पद की गरिमा को भूलकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट दिलवाने के लिए आज वो अब हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से एलजी साहब से ये निवेदन करना चाहूंगी कि दिल्ली सोलर पॉलिसी एक बहुत शानदार पॉलिसी है। उससे ना सिर्फ दिल्ली वालों को फायदा होगा, बल्कि उससे दिल्ली में पोल्यूशन रोकने में भी फायदा होगा। तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस सोलर पॉलिसी पे राजनीति ना करें, इस सोलर पॉलिसी को रोकने का प्रयास ना करें, इस सोलर पॉलिसी को डिले करने का प्रयास ना करें। यह सोलर पॉलिसी दिल्ली वालों के हक में है और दिल्ली के एलजी होने के नाते, दिल्ली के गार्जियन होने के नाते, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिल्ली वालों की हक की पॉलिसीज को पास करें।